अध्यक्ष महोदय, जिस भावना से मैंने यह बिल पेश किया है उसको विरोधी पक्ष के लगभग सभी सदस्यों ने एकमत से महसूस किया है कि देश में बेकारी की जो समस्या है वह एक भयंकर समस्या है और उसके कारण हमारे देश का विकास चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक रुका हुआ है और ऐसी परिस्थिति का निर्माण हम पिछले 24 सालों से देख रहे हैं। मंत्री महोदय ने यहाँ पर अभी कहा कि राष्ट्रपति इस काम को नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह उनके अधिकार के बाहर है। आप राज्यों में राज्यपाल शासन स्थापित करते हैं, जब यह देखते हैं कि किसी राज्य में वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का विकास ठीक नहीं हो रहा है, जब किसी राज्य में गड़बड़ी फैल रही हो, विकास का काम समाप्त हो गया हो और जिम्मेदारी से लोग काम ना करते हों, तो वहाँ पर राज्यपाल शासन स्थापित किया जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे देश में मौजूद हैं। उसी प्रकार से हमारे राष्ट्रपति हैं और अगर देश में इस तरह की स्थिति वर्षों तक चली तो कोई कारण नहीं है। आपात के रूप में राष्ट्रपति इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की तरक्की के लिए जिम्मेदारी अपने हाथ में ना ले सकें। हमारे भाइयों ने बहुत से उदाहरण दिए हैं कि राज्यों में संयुक्त सरकारें नहीं चली लेकिन उसके पीछे राजनीतिक हथकंडे थे। अगर कोई राजनीतिक पार्टी जिम्मेदारी से काम नहीं करती तो विधान में यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति शासन अपने हाथ में ले। मैं एक उदाहरण देता हूं कि संविधान में आदिवासी हरिजनों के उत्थान के लिए प्रण किया गया था कि 10 साल में उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे, लेकिन यह सरकार उसमें भी असफल रही। उसको एक बार 10 साल के लिए बढ़ाया गया और दोबारा फिर 10 साल के लिए बढ़ाया गया। इसी तरह से उसको बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति आप नहीं कर पाए हैं। इस काम में सरकार बिल्कुल असफल हुई है। पिछली बार सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव भी आया था और वह पास होने वाला था। इसलिए मेरा कहना है कि हमारे देश में यह बेकारी की समस्या है, वह बहुत ही भयंकर समस्या है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि मिलों के ऊपर किसानों का कई वर्षों का गन्ने का मूल्य बकाया पड़ा है जिसकी अदायगी नहीं हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक और बात बतलाना चाहती हूं और वह यह है कि कृषि विभाग को योजना आयोग ने बहुत गलत रास्ते में बिठा दिया है। उन लोगों के पास लड़ने के लिए दम नहीं है और देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चाहिए और उनके लिए जो धनराशि चाहिए वे उनको पूरी तरह मंजूर नहीं करा पाते हैं। कृषि विभाग तो जमीन की तरह आधार होता है और उसी पर देश के लिए पर्याप्त अन्न पैदा करने का महान भार है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि अधिक अन्न उपजाने के मार्ग में जो भी आवश्यक कदम या विभाग उठाना चाहे उसमें किसी तरह की रुकावट ना हो। बहुत सी हड़तालें हो सकती हैं, मजदूर काम से बरी हो सकते हैं लेकिन किसी भी हालत में वे खाने से बरी नहीं हो सकते। अब हम देखते हैं कि मिलों और कारखानों में हड़तालें हो जाती हैं, छुट्टी हो जाती है तो आम काम के दिनों की अपेक्षा लोग उन दिनों में ज्यादा खाना खाते हैं, ज्यादा दावतें करते हैं। आज यह हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है कि हमारा अन्न का उत्पादन उस गति से नहीं बढ़ रहा है जिस गति से हमारी खपत बढ़ती जा रही है। सरकार तथा इस मंत्रालय के लिए यह समस्या एक सिरदर्द पैदा कर रही है। हर एक विभाग में बड़े बड़े अफसर बैठे हैं और हजारों रुपए की लंबी लंबी तनख्वाहें ले रहे हैं लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनका दिमाग कार्यालय की फाइलों और कागजों में लगा रहता है। इस दिमाग का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। प्राकृतिक कोप के कारण जो समय समय पर हमारी फसलों को नुकसान होता है इससे भी अपनी फसलों की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाना इसके जिम्मे है। आज मेरे पास लखनऊ से कुछ लोग आए थे और वे लोग बोल रहे थे कि यहाँ दिल्ली में इस अवसर पर ठंडी हवा चल रही है और आप यहाँ दरवाजे बंद करके बैठे हैं या आराम से लेटे हैं, लेकिन हमारी तो जान खतरे में है। वहाँ ओले गिर रहे हैं, हमारी गेहूं की फसल खतरे में है। अब यह इस विभाग का काम है कि चूंकि हवा में पानी ज्यादा होता है इसलिए फसल के बचाव के लिए उस पर नियंत्रण किया जाए जिससे फसल की हानि ना हो।